Welcome back in your current chapter height and distance. Now we have to learn angle of depression. In previous video we covered the part angle of elevation, but now we have to learn angle of depression. Means angle of elevation and depression both are opposite to each other. That means angle of elevation जो ग्राउंड लेवल से किसी हाइट पे होता था ऑब्जेक्ट, और उसको देखने के लिए जो एंगल ऑब्जर्वर के आई से होता था, बनता था, वो एंगल फॉर्म होता था, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. बट अब क्या है, ऑब्जर्वर कोई हाइट पे है, ऑब्जर्वर किसी हाइट पे है, और ऑब्जेक्ट क्या है, वो क्या है, बिलो है, ऑब्जेक्ट बिलो है, और उस एंगल, तो उस ऑब्जर्वर के आई मींस हॉरिजॉन्टल लेवल एंड बिटवीन टू द लाइन ऑफ साइट द एंगल दैट इज फॉर्म्ड, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे. मींस यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन के डिफ्लेशन फॉर्म होते हैं, एक डिफ्लेशन आता है, दैट मींस व्हेन ए ऑब्जेक्ट when your object lies below the observer then the angle formed between the horizontal level means horizontal plane means this line is called horizontal line, between the horizontal line and line of sight, is known as angle of depression. That means theta is equal to angle of depression. Now, the angle of depression and of theta, that is theta and that is theta dash. अब इस theta and theta dash में क्या relation है? यार इसमें naming कर लेते हैं. Firstly, A, B, C, इसको करते हैं D. Suppose ये D है. That is horizontal plane, but if this level also be parallel to the horizontal plane. That means here CD parallel to AB and CD parallel to AB, and the line of sight that is work as the transversal line. That means AC is its transversal. AC is its transversal. Then theta 1 equal to theta, so that you know theta equal to theta dash. Why? Theta equal to theta dash means that is the pair of alternate angle. Why it is equal? Because it is the pair of alternate angle. और जैसे हमने कहा pair of alternate angle, but it is the angle of elevation. So that is clear that angle of depression equal to angle of elevation. That means जो angle of depression के value होंगे वही angle of elevation का value होगा. Means angle of depression equal to angle of elevation. So from here you know that angle of depression equal to
एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, बोथ आर सेम, दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, दैट इज सेम। बट अब यहां से एक पॉइंट आपको नोटेबल पॉइंट नोट करना है, फ्रॉम दिस होल फिगर्स इट इज क्लियर दैट एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन बोथ आर लाइज ऑन द सेम प्लेन, दैट मीन्स हॉरिजेंटल प्लेन, दोनों ही हॉरिजेंटल ही प्लेन में ही क्या करेंगे, लाइज करेंगे। मीन्स आप एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को जब इक्वल कर सकते हैं, दैट मीन्स एंगल ऑफ डिप्रेशन जहां भी फॉर्म होगा वहां के एंगल ऑफ एलिवेशन के क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। दैट मीन्स वो तो लाइज कहां कर रहा है, हॉरिजेंटल प्लेन में। मीन्स एंगल ऑफ, यहां से नोटेबल पॉइंट में आप एक नोट कर लेंगे थोड़ा सा, नोट में एनओ टी नोट मीन्स, तो फर्स्टली आपको हमेशा रिमेंबर रखना है एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड नेक्स्ट पॉइंट दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन लाइज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, कहां लाइज करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही दोनों एंगल लाइज करेंगे। मीन्स अब यहां से हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन को हमने फाइंड आउट कर लिया है, यहां से समझ चुके हैं। अब हम लोग इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसको हम लोग कुछ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो एनसीईआरटी के बुक में गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे करते हैं चैप्टर के क्वेश्चन को। तो इसमें हमने एक क्वेश्चन का एक एग्जांपल लिया है कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो हाइट एंड डिस्टेंस में होगा क्या, यदि हाइट गिवन होंगे तो डिस्टेंस पूछा जाएगा, या डिस्टेंस गिवन होंगे तो हाइट पूछा जाएगा। दैट मींस इस राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म करना है, और राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग जो इसमें थीटा के वैल्यू गिवन हो, तो कभी आपके थीटा के वैल्यू गिवन हो तो कोई एक इसमें या तो हाइपोटेनस या तो बेस या तो परपेंडिकुलर ये पूछ सकता है, कोई दो तो इसमें गिवन होंगे, या तो एंगल या तो कोई साइड्स या हाइपोटेनस या बेस या परपेंडिकुलर। अदरवाइज इसमें ऑल टू ऑल कोई दो साइड्स गिवन हो, परपेंडिकुलर और बेस गिवन हो सके इसके थीटा एंगल पूछ दे, एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन पूछ दे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन होता है। ये एक छोटा सा एग्जांपल जो आपके गिवन है, इफ ए पोल इज द हाइट ऑफ 15 मीटर स्टैंड्स, ये हाइट है पोल ए बी, मीन्स ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू 15 मीटर ऑन ए ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम इट्स टॉप ऑफ द पोल इज 30 डिग्री, दैट इज थीटा विल बी 30 डिग्री, मीन्स थीटा इक्वल टू 30 डिग्री ऑन पॉइंट सी, 30 डिग्री ऑन पॉइंट सी, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द पोल, दैट इज द डिस्टेंस BC, मीन्स BC इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल, देन यू हैव टू फाइंड BC, द वैल्यू ऑफ BC। तो नाउ अब इसमें देखेंगे क्या, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी परपेंडिकुलर एंड बेस, रिलेशन किसका है, परपेंडिकुलर एंड बेस, और फाइंड आउट करना है बेस को। तो बेस एंड परपेंडिकुलर एंड बेस किस रेशियो में होते हैं, किस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में होते हैं,
यू नो दैट थीटा, और थीटा मींस टेन थीटा, टेन थीटा में क्या होगा परपेंडिकुलर एंड बेस दोनों होते हैं, दैट मींस यहां से टेन थीटा करेंगे, टेन थीटा इक्वल टू फॉर दिस ट्रायंगल एबीसी, टेन थीटा इक्वल टू क्या होंगे एबी बाय बीसी, बट टेन थीटा थीटा दैट इज 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री इक्वल टू एबी बाय बीसी, टेन 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3 एंड एबी दैट इज 15 एंड बीसी. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस, सो बीसी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है तो BC इक्वल टू 15 इंटू रूट 3, 15 रूट 3 मीटर, दैट इज योर आंसर. दैट मींस ये आपको छोटा सा एग्जांपल था कि क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन होंगे. तो प्रीवियस पार्ट में हमने एलिवेशन एंड और अभी हमने डिप्रेशन के बारे में देखा और कुछ क्वेश्चन एक क्वेश्चन के एग्जांपल को देखा. नेक्स्ट पार्ट में एनसीईआरटी के ऑल सॉल्यूशन क्वेश्चन को करेंगे, तो आप लोग इसको नोट करते रहें और कहीं प्रॉब्लम्स हो तो आप वीडियो को अगेन वॉच कर सकते हैं, पॉज करके अगेन फिर वॉच करेंगे. थैंक यू.